इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बाबरी मस्जिद तोड़ने के चलते भारत में कहर बरस रहा है। आखिर इतनी भारत में अचानक क्यों मौतें हो रही है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब से बाबरी मस्जिद पर कोर्ट ने फैसला दिया है, तब बुला उसको, बुला फोन करके बुला, चैन से नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी है वो पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इस पूरे के पूरे क्लिप को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं जो हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, उन सब को भी टेलीग्राम पर जरूर देखिएगा ताकि आपकी आँखें खुल सकें। आज हम आपको तीन खबर देने वाले हैं। सबसे पहली सलतोरा पश्चिम बंगाल की उस सीट की, जहाँ से एक गरीब महिला भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत करके विधायक बनी है। तृणमूल कांग्रेस के कट्टर नेता को हरा करके वो विधानसभा पहुंची हैं और ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती थी। दूसरी खबर, इसी पश्चिम बंगाल के अंदर अब लड़ाई झगड़े लूटपाट आगजनी और हत्याओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। पहले ही दिन से ममता बनर्जी अपनी हार का बदला लेने के लिए सड़कों पर अपने गुंडे उतार चुकी है और उन्होंने खुद को हराने वाले कैंडिडेट पर ही हमला करवा दिया। और तीसरी खबर, राजस्थान के कोटा में अब अनाउंसमेंट करके ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने का फैसला दिया है, इसी वजह से अब अल्लाह का अजाब बरस रहा है और उसी की वजह से कोरोना फैल रहा है और वो हिंदुओं को मार रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस देश के अंदर कोई इतना खुलेआम थ्रेट कैसे देख सकता है, वो भी अनाउंसमेंट करके। और ये राजस्थान में हो रहा है, कांग्रेस शासित राज्य में हो रहा है खुलेआम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सलतोरा पश्चिम बंगाल की उस सीट की जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा। आप लोगों को भी पता है कि इस देश के अंदर केवल एक ही महिला है जिसके सम्मान की बातचीत हो रही है। आपको भी पता है कि किस प्रकार से रामगोपाल वर्मा, स्वरा भास्कर और KRK ने ट्वीट करके कहा कि ये जीत इस प्रकार की है जैसे भारत जीत रहा हो और भाजपा हार रही हो। ये वैसी जीत है जैसे कि राम की रावण पर जीत थी। महिलाओं का सम्मान करना नरेंद्र मोदी को अब आ जाएगा। वो महिला जो पश्चिम बंगाल के अंदर अपना चुनाव तक नहीं बचा पाई, उस महिला की किसी ने बात नहीं की थी जिसको पीट पीट करके मार दिया गया था पश्चिम बंगाल में इलेक्शन से पहले, उस महिला के विषय में भी कोई बात नहीं कर रहा है जो इन इलेक्शंस में जीत गई है। चंदना बावरी एक मजदूर की पत्नी है, 30 साल उनकी उम्र है, अनुसूचित जाति से वो आती हैं। पूरी की पूरी संपत्ति मिलाकर उनकी 31,900 रुपये की है। कुछ बकरियां हैं, कुछ गायें हैं। उनके पास में कोई वाहन नहीं, कोई बंगला नहीं, टूटी फूटी सी एक झोंपड़ी है। पैदल चल चल के उन्होंने लोगों में प्रचार और प्रसार किया, लोगों तक पहुंच बनाई। आप लोगों को भी पता है, जहां एक तरफ पार्टियां धनबल जनबल देख करके टिकट देती हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुसूचित जाति की सामान्य सी महिला को टिकट दिया था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस समय पर ये टिकट दिया गया था, उस समय पर महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में पश्चिम बंगाल के अंदर कैंडिडेट्स नहीं हैं, तो वो तो किसी कुत्ते या बिल्ली को भी टिकट थमा सकते हैं, फिर एक गरीब औरत को दे दिया तो क्या बात हो गई। आज वही गरीब औरत जीत करके विधानसभा पहुंच रही है। ईश्वर उनकी रक्षा करे, क्योंकि जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की हत्या करनी शुरू कर दी है, विधायकों पर हमला करना शुरू कर दिया है, उसको देखते हुए बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सुरक्षा के और बिना किसी धनबल या जनबल के रहने वाली ये एक टूटे फूटे झोंपड़े की महिला क्या अपनी जान की रक्षा कर पाएगी अथवा नहीं। और इसी नरसंहार को देखने के लिए हो सकता है स्वरा भास्कर, KRK, रामगोपाल वर्मा जैसे हजारों गिद्ध इसी वजह से खुश हों कि अब 5 साल कम से कम लाशें नोचने को मिलेंगी। पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। यही नहीं, वहां पर चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों,
चाहे नंदीग्राम से जीते हुए विधायक हों, चाहे फिर सामान्य कार्यकर्ता हों, ऑफिसेज हों, घर हों, बूथ कार्यकर्ता हों, सभी का मारा जाना बदस्तूर जारी है। लेकिन ममता बनर्जी को सिर्फ एक ही चिंता है कि वो वहाँ से हार गई जहाँ से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। यही नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप भी मढ़ दिया और कहा कि अब अधिकारियों ने ये कह दिया है कि तीसरी बार हम वोटों की गिनती नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। प्रमाण मांगे जाने पर कोई प्रमाण नहीं दिया। ये वही ममता बनर्जी है जो अभी तक व्हीलचेयर पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन जीत गई वैसे ही उन्होंने व्हीलचेयर को लात मार के साइड कर दिया। वोट तो तृणमूल कांग्रेस का ही भाजपा में आया था, लेकिन जिहाद को पुष्ट करने के लिए MIM, फुरफुरा शरीफ, कांग्रेस और वामपंथियों ने अपने गले में खुद फांसी का फंदा डालकर अपने वोट बैंक का गला घोट दिया और उस पूरे के पूरे वोट बैंक को TMC में शिफ्ट कर दिया। यानी कि जो कमी आई थी तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में, वो खिसक कर जो भाजपा में पहुंचा था, उसकी भरपाई करने के लिए बाकियों ने अपनी आत्महत्या करके तृणमूल कांग्रेस को फिर से जिंदा किया था। इससे आगे बढ़ते हैं, राजस्थान चलते हैं। राजस्थान के कोटा में ये जो अभी आपने क्लिप देखी है ये बिल्कुल सच्ची है। कोटा में एक कूड़ा ढोने वाली गाड़ी के ऊपर स्पीकर लगा करके ये कहा जा रहा है कि जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था और जब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, उसकी वजह से ये अल्लाह का अजाब बरस रहा है। वो अलग बात है कि इसमें मुसलमान भी मर रहे हैं और वो अल्लाह का अजाब शायद इतना अंधा है कि वो ये भी नहीं देख रहा कि मुझे अल्लाह के ही लोग उठाने हैं या फिर गैर मजहबी लोग उठाने हैं। ये हम सभी जानते हैं कि गैर मजहबियों से अल्लाह बेहद नफरत करता है, और ये मैं नहीं, ये उनकी वही पवित्र पुस्तक कहती है जिसको कि अल्लाह की वाणी कहा जाता है। उसमें बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिनमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अल्लाह गैर मुसलमानों से, काफिरों और मुशरिकों से बेहद नफरत करता है। लेकिन शायद यहाँ पर लोगों को उठाते हुए उनसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी उठा लिया है जिनको कि मुसलमान शेर सिवान कहते हैं या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के सदस्य कहते हैं। हालांकि कोरोना पूरी तरीके से सेक्युलर है, हिसाब सबका बराबर करके चलता है। मुस्लिम कंट्रीज़ में भी कोरोना इसी तेज़ी से फैला हुआ है, वहां पर कोई राम मंदिर नहीं बन रहा, वहां पर तो बड़ी बड़ी मस्जिदें भी हैं और वहां पर पूरे विश्व के मुसलमान भी जा कर के मत्था रगड़ते हैं, लेकिन कोरोना वहां पर भी फैला हुआ है। हो सकता है ये भविष्य के कुछ संकेत हमें देखने को मिल रहे हों कि अल्लाह ने वहाँ पर कोरोना का अजाब इसलिए फैलाया हो क्योंकि वहाँ पर आने वाले समय में मस्जिदों का विध्वंस हो और वहाँ पर भी भव्य श्री राम मंदिर बनने वाला हो। तो हो सकता है कि उसी अल्लाह ने भविष्य को जांचते हुए, देखते और परखते हुए पहले से पहले ही कोरोना वहाँ पर भेज दिया है। दोस्तों, ये केवल और केवल एक सेक्युलर भारतवर्ष में ही संभव हो सकता है जहां पर यदि कोई हिंदू बोल दे तो उसको जेलों में सड़ा दिया जाता है, लेकिन यदि यही बात मुसलमानों की तरफ से हो जाए तो उनको माफ़ करके भटका हुआ नौजवान कह करके छोड़ दिया जाता है। नहीं छोड़ा जाएगा तो सड़कों पर आगजनी कर दी जाती है। ये वही भारतवर्ष है जहां पर लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन यहां की केंद्र सरकार ये कह करके पल्ला झाड़ लेती है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। भारत की डेमोग्राफी जिस तेज़ी से चेंज हो रही है वो इस बात के संकेत दे रही है के रफ़ी मियां ने बिल्कुल सही कहा था कि 10 साल रुक जाओ, हम आपको बताएंगे कि सरकारें किस प्रकार से बनाई जाती हैं। लेकिन हमारी सरकारों को अभी तक भी इन सब चीज़ों का भान नहीं है। भारत के संपूर्ण स्रोत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, यहाँ की स्थानीय जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऊपर से घुसपैठियों को भी वापस भेजने का कोई सख्त नियम अभी तक देखने में नहीं आ रहा है। भारतवर्ष का भविष्य बेहद ही विभत्स होगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई फैसला देकर ही कोई चमत्कार कर सकती है, अन्यथा सरकारें पूर्ण रूपेण तुष्टिकरण की राजनीति के नंगे नाच पर
उतर आई हैं। दोस्तों आपको आज की खबरें कैसी लगी? पश्चिम बंगाल में जीतने वाली इस महिला के विषय में आपका क्या कहना है? पश्चिम बंगाल में अभी 5 साल और बाकी हैं और ये मौत का तांडव ज्यों का त्यों हमने चलता हुआ देखा है और इस बार हो सकता है कि और बड़ा चले, इस पर आपका क्या कहना है? और राजस्थान में जिस प्रकार से अल्लाह का अजाब बरसाते हुए लाउड स्पीकर से धमकियां दी जा रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।